हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया मौजूदा समय में अपने इतिहास की सबसे बड़ी विपदा से गुजर रहा है। जंगल में लगी भीषण आग ने जहां 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, वहीं इससे करोड़ों पशुओं की मौत की खबर भी सामने आ रही है। चाहे खिलाड़ी हो या नेता या फिर आम लोग, इस आग में अपना सब कुछ खो चुके लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार गेंदबाज शेन वॉर्न ने भी इस मुहिम में अपना योगदान दिया। दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने पीड़ितों की मदद के लिए अपनी बैगी ग्रीन कैप की नीलामी का फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटरों को दी जाने वाली उनकी बैगी ग्रीन कैप 5 करोड़ रुपए में बिक गई है। आपको बता दें कि जिस बैगी ग्रीन कैप को शेन वॉर्न ने नीलाम किया है, उसे हासिल करना ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के लिए बेहद सम्मान की बात होती है। दिलचस्प बात यह है कि शेन वॉर्न की यह टोपी किसी इंसान ने नहीं खरीदी है, बल्कि 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इस टोपी को एक बैंक ने खरीदा है। शेन वॉर्न की टोपी को नीलामी में कॉमनवेल्थ बैंक ने करीब 4,93,00,000 रुपए में खरीदा है। नीलामी से मिली पूरी राशि आग पीड़ितों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कॉमनवेल्थ बैंक के सीईओ मैट कॉमिन ने बताया कि शेन वॉर्न की इस बैगी ग्रीन कैप को आग पीड़ितों की मदद के लिए नेशनल टूर पर ले जाया जाएगा, ताकि इससे अधिक से अधिक फंड जुटाया जा सके। इसके बाद इसे ब्रैडमैन म्यूजियम में रख दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप जनवरी 2003 में 4,25,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 3,06,00,000 रुपए में बिकी थी। तब ये उस समय की रिकॉर्ड कीमत रही थी, लेकिन अब वॉर्न उनसे आगे निकल चुके हैं।